हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्पेशल इंग्लिश के एक नए चैप्टर, एक ये पोयम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, जिसके की पोएट है ये। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको इस वाली पोयम को एक्सप्लेन करूँगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम लिए बिना इस वाली पोयम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ों को निकाल के मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें, क्योंकि पोएम और चैप्टर्स ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम एक बार अच्छी तरह से सुन ले तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, अगर नहीं हुआ तो फिर इसको बार बार भी सुनो तो कोई मतलब नहीं आता, हमें समझ में बिल्कुल नहीं आती। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो मैं जो अब बोल रहा हूँ आप उस पर ज़रूर फोकस करना, ठीक है। तो मैं आपको इस वाली पोएम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू बता दूँ इस पोएम में है क्या। तो ये एक ह्यूमरस पोएम है, एक हंसी क्रिएट करने वाली पोएम है, जो कि बस 42 लाइंस की है, जिसमें कि जो पोएट है अपनी सिस्टर की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, जिसका के नाम है मिस पुष्पा टीएस। मिस पुष्पा टीएस के बारे में इस वाले पोएम में बताया है पोएट ने, जो कि उनके भाई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ बताते हैं पोएट उनकी सिस्टर की। तो पोएम में होता यह है कि एड्रेसिंग टू हिज फ्रेंड्स द पोएट सेज दैट देयर सिस्टर देयर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 डेज, दे हैव अरेंज्ड अ पार्टी फॉर हर हैप्पी जर्नी। तो इस पोएम में उनके फ्रेंड्स को बोलते हुए जो पोएट है वो कहता है कि हमारी जो प्यारी बहन है, हमारी जो प्यारी बहन है मिस पुष्पा टीएस, वो कुछ दिनों में फॉरेन के लिए जाने वाली है, तो हमने उसकी हैप्पी जर्नी के लिए एक पार्टी अरेंज की है। तो वो बता रहे हैं पोएट कि हमने उसकी हैप्पी जर्नी के लिए, उसकी सेफ जर्नी के लिए एक पार्टी अरेंज की हुई है। तो अब यहाँ पे हम मिस पुष्पा टीएस की क्वालिटी के बारे में बताते हैं पोएट। मिस पुष्पा टीएस इज़ अ स्वीट लेडी विथ ऑल स्माइलिंग नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ऑल्सो इंटरनली। तो इस चीज़ का मतलब क्या है गाइस, आप भी सोचिए। इसी कारण ये पोएम ह्यूमरस बोली जाती है कि मिस पुष्पा टीएस जो है वो एक बहुत अच्छी लेडी है, वो पॉपुलर है लोगों में, बहुत सारे लोगों में वो पॉपुलर है, बहुत फेमस लेडी है। वो हमेशा हंसती रहती है, उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। वो हंसती है, वो स्माइल करती है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो गाइस एक्सटर्नली तो समझ सकते हैं, पर इंटरनली कोई कैसे स्माइल करता होगा। इसी कारण इस पोएम में ह्यूमरस बोला गया है कि वो इंटरनली भी स्माइल करती है, ऐसा पोएट कहते हैं। शी स्माइल्स एंड स्माइल्स इवन देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट। वो हंसते ही रहती है, वो स्माइल ही करती रहती है, चाहे उसके लिए कोई कारण, बिना कारण भी वो स्माइल ही करती रहती है। तो ये उसकी सिस्टर की मिस पुष्पा टीएस की क्वालिटी पोएट ने बताई है, जो कि हंसी क्रिएट करती है गाइस। शी स्माइल्स ओनली बिकॉज शी फील्स। वो हंसती है क्योंकि वो फील करती है, वो जो फीलिंग उसको, जो भी वो फील करती है उसके कारण वो हंसते रहती है, हमेशा हंसती है, बिना कारण हंसती रहती है। शी बिलोंग्स टू अ वेरी हाई फैमिली। वो बहुत ही रिच और हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसके फादर भी एक बहुत अच्छी पोजीशन पर रहते हैं, जो एडवोकेट रहते हैं सूरत में। वो रिमेंबर नहीं करता कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे थे एडवोकेट, जो कि रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो पोएट ये बताता है कि उसकी जो सिस्टर है वो एक बहुत ही स्वीट लेडी है, वो हमेशा हंसती रहती है। वो हंसती है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, वो बिना कारण हंसती रहती है। वो एक बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उनके जो पापा है वो एक रिटायर्ड एडवोकेट है, जो कि सूरत से थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो पोएट बताता है कि हमने जो ये सेरेमनी अरेंज की है उसमें हम विश करेंगे कि हमारी बहन की जो जर्नी है वो सेफ हो, ठीक है। मिस पुष्पा इज पॉपुलर अमंग पीपल। वो हमेशा बहुत बड़े बड़े लोगों में, जितने भी लोग हैं उसके आसपास के रहने वाले लोग, उसके जो सिटी के लोग हैं उनमें वो बहुत पॉपुलर है। सारे लोग उसको जानते हैं, सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमेशा कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है। वो हमेशा किसी ने भी कोई भी काम बताया तो वो उसको एक ही आंसर देती है कि जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। वो किसी भी काम को नहीं नहीं कहती। उसकी जो पॉजिटिव स्पिरिट है ये लोगों को बहुत पसंद आती है। तो ये जो पोएट की सिस्टर है वो किसी भी काम को, किसी ने भी उसको कोई भी काम बोला तो उसको नहीं नहीं कहती और सारे काम करने के लिए रेडी रहती है। द पोएट ऑलवेज अप्रिशिएट हर गुड स्पिरिट। पोएट हमेशा अप्रिशिएट करता है, प्राउड फील करता है उनकी बहन की इस गुड स्पिरिट को, कि वो किसी भी काम को नो नहीं कहती। पुष्पा नेवर सेज नो टू एनीथिंग। शी इज़ लिविंग नाउ फॉर इम्प्रूविंग हर टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट। तो वो अब यहाँ से जा रही है ताकि वो अपनी क्वालिटीज़ को और बढ़ा सके। तो पोएट कहता है कि हम हमारी बहन, हमारी प्यारी बहन मिस पुष्पा को एक हैप्पी जर्नी विश करते हैं। फिर पोएट बोलता है कि अपने सारे फ्रेंड्स को कि मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ, आप आओ और अब मेरी बहन के बारे में, मेरी बहन को एक सेफ़ और हैप्पी जर्नी विश करो। इस फेयरवेल में आके आप अपनी, मेरी बहन को अच्छी तरह से एक हैप्पी जर्नी विश करो और उसके बारे में कुछ बोलो। तो गाइस ये थी आपकी पोएम, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बहुत अच्छी पोएम है, छोटी सी पोएम है, हंसी क्रिएट करने वाली है पोएम। इसके अलावा गाइस इस वाली पोएम की जो अभी मैंने दिखाया वो इंग्लिश समरी थी, हिंदी समरी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स, जी हाँ हिंदी समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो गाइस, बिल्कुल कमेंट करो, मैं हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, हर कमेंट का जवाब देता हूँ। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे पढ़ाई से रिलेटेड, ओनली पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो तो ही मुझे मैसेज करना, ओके।
अगर वीडियो पसंद आया होगा इस तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ जितने ज़्यादा आपके दोस्तों में हो सकता है उसको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।